वेलकम टू आवर YouTube चैनल लर्न विद आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम हायर परचेज को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने उसके कॉन्सेप्ट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और एक एग्जांपल हमने किया था। उसी को आगे बढ़ाते हैं। व्हेन इंटरेस्ट इज, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड था इंस्टॉलमेंट में, इसमें हम करेंगे व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट। जब इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है इंस्टॉलमेंट में तो कैसे हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बारे में हम लर्न करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम रहेगा, हमारी इंटरेस्ट कैलकुलेशन और प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेशन की तरीका बदल जाएगा। वीडियो हमारी पसंद आए लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं इलस्ट्रेशन के माध्यम से कैसे हम करेंगे व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड नहीं है तब। फर्स्ट जनवरी 2002 अवतार ने एक कंप्यूटर परचेज किया हिंद मोटर से हायर परचेज सिस्टम पर। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है, कैश प्राइस है ₹40,000, ₹16,000 टू बी पेड ऑन द साइनिंग द एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट को साइन करेंगे तब हम ₹16,000 डाउन पेमेंट करेंगे। बैलेंस अमाउंट फॉर इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹6,000 इंक्लूडेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंक्लूड करते हुए ₹6,000 की चार किस्तें देंगे। आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर 10% डेप्रिएशन चार्ज करना है। डेप्रिएशन टू बी चार्ज एट द 10% पर एनम, इंटरेस्ट जो चार्ज करना है वो 10% पर एनम आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर करना है। डेप्रिएशन 10% पर एनम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से अप्लाई करना है। कंप्यूटर अकाउंट, वेंडर अकाउंट इन द बुक ऑफ हायर परचेजर हमें बनाना है। आल्सो शो द कंप्यूटर अकाउंट हाउ वुड इट अपियर इन द बैलेंस शीट ऑफ परचेजर, परचेजर की बैलेंस शीट में वो कैसे अपियर होगा वो भी हमें करना है। तो देखिए, कैश प्राइस 40,000 है, डाउन पेमेंट 16,000 है और फोर इंस्टॉलमेंट ₹6,000 की है। 6,000 इंटू फोर 24 प्लस 16 40,000 हो गया और कैश प्राइस भी हमारा 40,000 है। दैट मीन्स इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे कैश प्राइस, कैश प्राइस है 40,000, डाउन पेमेंट एग्रीमेंट के समय हमने 16 दे दिए, प्रिंसिपल अमाउंट 16 है, टोटल 16 है। फिर हमने 24,000 बैलेंस रह गया, उसमें 6,000 इंस्टॉलमेंट दी, 6,000 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है। इस 24,000 पर 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट कहता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर 10% इंटरेस्ट लगेगा, ₹2,400 इंटरेस्ट लग जाएगा, टोटल 8,400 हमारी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। फिर हमारे 18,000 बैलेंस रह गया, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे तो उसमें 18,000 पर 10% होल ईयर का 1800 इंटरेस्ट लगेगा, 6,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट हो गई ₹7,800 की, 6,000 हमने प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया तो बैलेंस रह गया 12,000। नेक्स्ट ईयर 12,000 पर 10% इंटरेस्ट लगेगा, 1200 इंटरेस्ट हो गया, 6,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, 7,200 इंस्टॉलमेंट हो गई, 6,000 हम लेस कर देंगे। फिर बच गया बैलेंस 6,000,
6000 पर 10% डेप्रिएशन लगेगा, सॉरी इंटरेस्ट लगेगा, 600 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया, 6000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, 6600 हमारी इंस्टॉलमेंट हो गई, 6000 प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट कर दी, नील रह जाएगा। इस प्रकार से ये टेबल हमने बना ली तो पता लग गया हमारी इंस्टॉलमेंट कितने की बनी, कितना उसमें प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट है। तो अब हमारे लिए सॉरी एंट्री करना आसान हो जाएगा। तो अब है एंट्री करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर अकाउंट बनाना है, वर्किंग नोट में आप करके दिखाओगे कि यहां पर 16000 हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं, 6000 की 4 किस्त है, तो टोटल हमारा 40,000 हो गया, और 40,000 हमारा हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस है, तो उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इंटरेस्ट उससे एक्सक्लूड है। तो अब कंप्यूटर अकाउंट बनाएंगे, कंप्यूटर की कैश प्राइस है 40,000, 40,000 से डेबिट कर देंगे, हिंद मोटर क्रेडिट हो जाएगा 2002 को, जनवरी 1 को हमने ये परचेज किया था, 2002 को दिसंबर 31 उसके ऊपर डेप्रिएशन लगेगा, 10% फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से लगाना है 4000, बैलेंस रह गया 36, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2003 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी 36,000, नेक्स्ट ईयर फिर 2003 दिसंबर 31 होल ईयर हो गया, डेप्रिएशन लगेगा फिक्स इंस्टॉलमेंट से 4000 डेप्रिएशन लग जाएगा, बैलेंस बच गया दिसंबर 31 बाय बैलेंस सीडी 32,000। अब इस 32,000 को नेक्स्ट ईयर ले आएंगे, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 2004 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी 32,000, 2004 दिसंबर 31 डेप्रिएशन लगेगा बाय डेप्रिएशन 4000, बैलेंस बच जाएगा दिसंबर 31 बाय बैलेंस सीडी 28,000, फिर 2005 में जनवरी 1 बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 28,000, 2005 में दिसंबर 31 बाय डेप्रिएशन 4000 से क्रेडिट हो जाएगा, बैलेंस बच जाएगा दिसंबर 31 बाय बैलेंस सीडी 24,000। फिर हम हिंद मोटर्स का अकाउंट बनाएंगे, हिंद मोटर्स से हमने कंप्यूटर परचेज किया था 2002 जनवरी 1 बाय कंप्यूटर्स हिंद मोटर को 40,000 से क्रेडिट कर देंगे। अब डाउन पेमेंट की थी 2002 जनवरी 1 टू कैश अकाउंट 16,000 की हमने डाउन पेमेंट की थी, दिसंबर 31 2002 बाय इंटरेस्ट 2400 इंटरेस्ट लगेगा, हम इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देंगे दिसंबर 31 टू कैश, 6000 हमारी इंस्टॉलमेंट थी, 2400 इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड करके देना था, तो 8400 की हमारी किस्त चली जाएगी, बैलेंस सीडी बच जाएगा टू बैलेंस सीडी 18,000, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट ईयर 2003 में जनवरी 1 बाय बैलेंस सीडी 18,000 आ जाएगा, साल एंड हो गया दिसंबर 31 बाय इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर हमने इंटरेस्ट लगाया 1800 हमारा इंटरेस्ट हो गया, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे 2003 दिसंबर 31 टू कैश, 6000 इंस्टॉलमेंट थी, 1800 हमारा इंटरेस्ट था, टोटल हो गया 7800, बैलेंस सीडी बच गया उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे 12,000, थर्ड ईयर के स्टार्ट में बैलेंस आ गया जनवरी 1 2004 बाय बैलेंस बीडी 12,000, अब इंटरेस्ट लगाएंगे दिसंबर 31 बाय इंटरेस्ट 10% 12,000 पर 1200, पेमेंट कर देंगे इंस्टॉलमेंट की 2004 दिसंबर 31 टू कैश, 6000 इंस्टॉलमेंट थी, 1200 इंटरेस्ट था, 7200 हम पेमेंट कर देंगे, दिसंबर 31 टू बैलेंस सीडी 6000 बैलेंस बच गया वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर आ गया 2005 जनवरी 1 बाय बैलेंस बीडी 6000, एट द एंड ऑफ ईयर दिसंबर 31 बाय इंटरेस्ट 10% लगाएंगे 600, लास्ट इंस्टॉलमेंट है 6000 प्लस 600 हम पेमेंट कर देंगे 66,000 की। तो इस प्रकार से ये अकाउंट बनेगा। अब बैलेंस शीट में हमने इसको कैसे दिखाना है, तो बैलेंस शीट में पहले साल 31 दिसंबर 2002 को कंप्यूटर 36,000 का था, क्योंकि 4,000 उस पर डेप्रिएशन लगने के बाद वो 36 का बच गया, और वेंडर को पेमेंट कर दी 18,000, वो लेस करके दिखा देंगे 18,000 हमारा कंप्यूटर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर सिमिलरली कंप्यूटर बच गया 32,000 का, 4,000 डेप्रिएशन लगने के बाद 12,000 हमने वेंडर की पेमेंट आउटस्टैंडिंग है वो आ जाएगी, 20,000 बच जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर 28 का हमारा कंप्यूटर था, उसमें से 6,000 की पेमेंट बाकी है, 22 का बच गया, लास्ट ईयर 24 का हमारा कंप्यूटर है, पेमेंट कोई बाकी नहीं है, तो 24,000 का 24,000 बैलेंस शीट में आ जाएगा।
इस प्रकार से हम कंप्यूटर अकाउंट, हायर वेंडर का अकाउंट और उसको कैसे हमें बैलेंस शीट में बनाना है देखा। जब इंटरेस्ट इंक्लूड ना हो इंस्टॉलमेंट में तो हम उसको आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर निकालकर जो इंस्टॉलमेंट की किस अमाउंट दे रखी है उसमें हम ऐड करके पेमेंट करते जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो हमारी पसंद आई होगी, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, पेमेंट बाय हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। अभी तो हम ईयरली इंस्टॉलमेंट दे रहे थे, अगर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट देनी है तो क्या है, क्वार्टरली देनी है, हाफ ईयरली देनी है तो क्या होगा। सम टाइम पेमेंट इज मेड बाय हाफ ईयरली और द क्वार्टरली इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एनुअली। इन सच केस इंटरेस्ट विल आल्सो बी कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे या क्वार्टरली पे कर रहे हैं तो क्वार्टरली निकालेंगे। एंड रिकॉर्ड द इंटरेस्ट विल बी मेड विद द ईच इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट के साथ उसको रिकॉर्ड करेंगे। सच एज इफ द इंस्टॉलमेंट आर पेड हाफ ईयरली देन द इंटरेस्ट विल बी रिकॉर्डेड इन द ट्वाइस अ ईयर, दो बार लिखा जाएगा। इफ इंस्टॉलमेंट आर पेड क्वार्टरली तब इंटरेस्ट को फोर टाइम लिखा जाएगा ईयर में। हाउएवर द इंटरेस्ट एज वेल एज द डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साइमल्टेनियसली एट द एंड ऑफ ईयर। केवल हमें प्रॉफिट एंड लॉस में उसको साल के अंत में ही ट्रांसफर करना है, चाहे हम चार बार पे करें, चाहे दो बार पे करें या एक बार पे करें, लेकिन प्रॉफिट लॉस तो साल के एंड में ही बनना है, इसलिए डेप्रिसिएशन और हमारा इंटरेस्ट वो साल में एक बार ही ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। चाहे पेमेंट हम चार बार कर रहे हैं, चाहे दो बार कर रहे हैं, चाहे एक बार कर रहे हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इफ इट इज स्पेशली मेंशन इन द क्वेश्चन चार डेप्रिसिएशन हाफ ईयरली या क्वार्टरली, देन हम इसको चार्ज उसके अनुसार करेंगे, बट प्रॉफिट एंड लॉस में एक ही बार जाएगा, ये ध्यान रखना है। इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन से बेटर क्लियर होगा। अशोक कंपनी परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम। अशोका कंपनी ने हायर परचेज सिस्टम पर मशीन खरीदी 1 जुलाई 2003 को। कैश प्राइस था मशीन का 3,20,000। द परचेजिंग कंपनी एग्री टू पे 80,000 ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट। जब उसने एग्रीमेंट पे साइन किए 80,000 तब पे कर दिए, 240 रह गया, तो 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट 40,000 की, तो 6 × 40 = 240, दैट मीन्स इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, हमें इसको अलग से ऐड करना होगा, वो ध्यान रखना है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। एट द रेट 12% पर एनम अनपेड अमाउंट पर लगाना है। परचेजिंग कंपनी डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करती है 15% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट पर। नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं इन द बुक ऑफ परचेजिंग कंपनी अज्यूमिंग दैट बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर, एवरी ईयर 31 दिसंबर को वो क्लोज कर देती है। तो पहले हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए टेबल बनाएंगे, कैश प्राइस को लिखेंगे, 3,20,000 था, 80,000 हम डाउन पेमेंट कर दिया तो इंस्टॉलमेंट है 80,000, इंस्टॉलमेंट 80,000 प्रिंसिपल अमाउंट, 240 रह गया। नेक्स्ट हम 40,000 इस प्रिंसिपल अमाउंट देंगे, 240 पे 12% 6 मंथ का, क्योंकि हाफ ईयरली हम दे रहे हैं तो 14,400 उस पर ब्याज आ जाएगा, 40,000 की किस्त है तो टोटल इंस्टॉलमेंट हो गई 54,400 फर्स्ट हाफ ईयरली की। फिर सेकेंड हाफ ईयरली में हमारा बैलेंस रहता है 2 लाख, तो 2 लाख पर 12% 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा 12,000, 40,000 प्रिंसिपल अमाउंट की हम पे कर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट हो गई 52,000, 40,000 हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी, 160 रह गया, 160 पे 12% 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा 9,600, 40,000 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, 49,600 की इंस्टॉलमेंट बनेगी, बैलेंस रह गया 120 पे 12% की रेट से 6 मंथ का फिर इंटरेस्ट लगेगा 7,200, 40,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, 47,200 इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, बैलेंस रह गया 80,000। अब नेक्स्ट ईयर 80,000 पे फिर इंटरेस्ट लगेगा 12% की रेट से 6 मंथ का 4,800, 40,000 इंस्टॉलमेंट है 44,800, 40,000 हम लेस कर देंगे, बैलेंस रह गया 40,000, 40,000 पे 12% 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा 2,400, पेमेंट हो गई 42,400 की, प्रिंसिपल अमाउंट है 40, बैलेंस रह गया नील। अब हम इसकी एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले
मशीन अकाउंट हमने परचेज की है तो मशीन अकाउंट बनाएंगे, जुलाई 1st 2003 को परचेज की है, टू वेंडर अकाउंट 3,20,000, दिसंबर 31st 6 महीने हो गए, सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर को हमारे 6 मंथ हो गए, 6 मंथ का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, दिसंबर 2003 बाय डेप्रिएशन 6 मंथ का लगेगा 24,000 हमारा डेप्रिएशन आएगा 15% की रेट से, बैलेंस बच गया उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2,96,000, नेक्स्ट ईयर मशीन का बैलेंस लिखेंगे जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी 2,96,000, 2004 दिसंबर 31 डेप्रिएशन लगेगा, बाय डेप्रिएशन होल ईयर का लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाना है 320 का 15%, तो 48,000 डेप्रिएशन लग जाएगा, वो आ जाएगा, बैलेंस बच जाएगा, बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2005 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी 248, फिर डेप्रिएशन लगेगा 2005 दिसंबर 31 बाय डेप्रिएशन 15% ओरिजिनल कॉस्ट पे 48,000, बैलेंस बच जाएगा दिसंबर 31 बाय बैलेंस सीडी 2,00,000, फिर इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2006 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी 2,00,000, 2006 दिसंबर 31 बाय डेप्रिएशन 48,000, दिसंबर 31 बाय बैलेंस सीडी 1,52,000। अब हम वेंडर का अकाउंट बनाएंगे, वेंडर का अकाउंट सबसे पहले क्रेडिट होगा जुलाई 1 को 2003 जब हमने खरीदी थी, बाय मशीन अकाउंट 3,20,000 डाउन पेमेंट की है उससे डेबिट हो जाएगा 2003 जुलाई 1 टू कैश 80,000, फिर साल का एंड हो गया 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद हम इंटरेस्ट लगाएंगे दिसंबर 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 14,400, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देंगे 14,400 प्लस 40,000 दिसंबर 31 टू कैश 54,400 की पेमेंट हो जाएगी, बैलेंस है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2,00,000, नेक्स्ट ईयर 2004 जनवरी 1 बाय बैलेंस बीडी वेंडर के क्रेडिट में आ जाएगा 2,00,000, जून 30 डेप इंटरेस्ट लगाएंगे बाय इंटरेस्ट हाफ ईयर का 12,000, फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देंगे 2004 जून 30 टू कैश 12,000 इंटरेस्ट था, 40,000 की किस्त थी 52,000, फिर दिसंबर 31 6 महीने समाप्त हो गए, बाय इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर 9,600 आ जाएगा, 40,000 की इंस्टॉलमेंट थी 49,000 दिसंबर 31 टू कैश 49,600 हम पे कर देंगे, बैलेंस 1,20,000 दिसंबर 31 टू बैलेंस सीडी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लास्ट ईयर में बैलेंस आ जाएगा जनवरी 1 बाय बैलेंस बीडी 1,20,000, जून 30 को इंटरेस्ट लगाएंगे बाय इंटरेस्ट हाफ ईयर का पेमेंट कर देंगे 2005 जून 30 टू कैश 47,200, फिर बैलेंस रह गया उसके ऊपर दिसंबर 31 को डेप्रिएशन लगेगा बाय इंटरेस्ट लगेगा बाय इंटरेस्ट 4,800, फिर किस्त की पेमेंट हो जाएगी टू कैश अकाउंट 44,800, बैलेंस रह जाएगा दिसंबर 31 टू बैलेंस सीडी 40,000, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे जनवरी 2006 एक बाय बैलेंस बीडी 40,000, जून 30 को इंटरेस्ट लगेगा बाय इंटरेस्ट 2,400, पेमेंट कर देंगे 2006 जून 30 टू कैश अकाउंट 42,400, इस प्रकार से हाफ ईयरली हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर 6-6 महीने में इंटरेस्ट लगाते रहेंगे और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करते रहेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट साल में बनाएंगे तो सबसे पहले 2003 दिसंबर 31 को हमने डेबिट किया था टू वेंडर अकाउंट 14,400, वो 2003 में दिसंबर 31 अकाउंट क्लोज कर रहे हैं उस दिन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, नेक्स्ट ईयर 2004 जून 30th को लगाया टू वेंडर अकाउंट 12,000, फिर 31st दिसंबर को लगाया टू वेंडर अकाउंट 9,600, फिर टोटल दिसंबर 31 जब हम एंड करते हैं ईयर को तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, इसी प्रकार 2005 में जून 30 टू वेंडर 7,200, दिसंबर 31 टू वेंडर 4,800, दिसंबर 31 5 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा 12,000, इसी प्रकार लास्ट ईयर 2006 जून 30 टू वेंडर अकाउंट 2,400, 2006 दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,400 चला जाएगा, इसी प्रकार डेप्रिएशन साल में एक बार लगाएंगे और एक बार ही वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, तो दिसंबर 2003 31 को
टू मशीन अकाउंट 24,000, 2003 दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24, एवरी ईयर इसी प्रकार 48,000 की हमारी ये इंस्टॉलमेंट डेप्रिएशन हम चार्ज करेंगे। अगर हमें हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट देनी है, क्वार्टरली देनी है, तो इस प्रकार से हम इंटरेस्ट हाफ ईयरली क्वार्टरली जैसा भी क्वेश्चन में कहा है लगाएंगे, लेकिन प्रॉफिट लॉस में वो साल के एंड में ही जाएगा। और दूसरा हमें ध्यान रखना है कि जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट दी है क्या उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, उनका टोटल काउंट करके कैश प्राइस से हम उसको कंपेयर कर लेंगे। अगर उसके इक्वल टू है तो फिर उसमें है नहीं, अदरवाइज उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, ये हमें ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई आपकी क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड डे। वीडियो को हमारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।